मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को इंदौर में हुए समारोह में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के 56 अवार्ड प्रदान किए। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट और इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड दिया गया। इंदौर को देश के नंबर 1 स्मार्ट सिटी के साथ अर्बन एनवायरमेंट, वाटर, सैनिटेशन सहित अन्य श्रेणियों में पहला स्थान व 3 अन्य श्रेणियों में दूसरे स्थान के लिए अवार्ड मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर में सर्वश्रेष्ठ काम के लिए इंदौर की तारीफ की। उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहर में अपना पहला स्थान भी बनाए हुए है। अब तो इंदौर स्मार्ट सिटी में भी नंबर 1 है। उन्होंने यहां के अधिकारियों और सभी जनप्रतिनिधियों की कर्तव्य निष्ठा को सराहा। मध्य प्रदेश को नंबर 1 स्टेट का दर्जा मिलने पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को बधाई भी दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि भाजपा मध्य प्रदेश में भी गुजरात वाला प्रयोग कर सकती है। यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी और अमित शाह घबराए हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा, भाजपा ने वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो प्रयोग यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है। भोपाल के करोंद इलाके में बुधवार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा शुरू हुई। उन्होंने कहा, सफल आदतें डालने से सफलता प्राप्त होती है, विफल आदतें डालने से विफलताएं मिलती हैं। जीवन में सफल होना है तो हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। हनुमान जी का भक्त जीवन में कभी विफल नहीं होता। हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए, रटना नहीं, लेकिन जो हनुमान चालीसा को अपने जीवन में उतार लेता है वही व्यक्ति सफल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। अखिलेश ने यह बात बुधवार को रीवा के सिरमौर में कही। वे यहां समाजवादी पार्टी के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।